मेरे चैनल कुकिंग विद स्वर्णलता को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। हेलो दोस्तों, कुकिंग विद स्वर्णलता में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे बच्चों का फेवरेट चॉकलेट कपकेक। इसे हम बिस्किट से बनाएंगे। इसे बनाना काफ़ी आसान है। जब भी बच्चों का केक खाने का मन करे, आप इस तरह के चॉकलेट केक बनाकर उनको आसानी से दे सकते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करें। इसके लिए हमने चॉकलेट क्रीम बिस्किट लिए। आप किसी भी तरह के क्रीम बिस्किट ले सकते हैं। इसकी मैंने क्रीम को अलग कर देना है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। इस तरह से सारी क्रीम मैंने निकाल ली और बिस्किट भी हमने अलग से तैयार कर ली है। इस तरह से सारे बिस्किट और क्रीम को हम अलग से रख देंगे और एक अब जार लेंगे। उस जार में सारे बिस्कुट को तोड़ते हुए डाल देंगे, जिससे हमें पाउडर फॉर्म में करना है। इस तरह सारे बिस्कुट मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इसको पीसूंगी। इसमें एक चम्मच शक्कर डालें, शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और इसे हम पीस लेंगे। इस तरह से आप पीस के तैयार कर लें। देखिए, हमने पूरा पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया है। एक गिलास दूध लिया है, अब इसमें हम दूध को डालेंगे। हम जार में ही बैटर को तैयार करेंगे। दूध आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, बैटर हमारा ज़्यादा पतला ना हो जाए। देखिए, इस तरह से हमारा बैटर तैयार हो गया। इस गिरता हुआ बैटर हमें चाहिए, ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम केक बेक करने के लिए इस तरह का स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो कटोरी भी ले सकते हैं, आसानी से इसमें बन सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक एक ड्रॉप आप ऑयल करें। ग्रीस करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा केक चिपकने लगेगा नीचे से। इस तरह से आप चारों तरफ से ऑयल लगा दें और हमारे मोल्ड पूरे तैयार हो गए हैं। हम कपकेक पैन में बना रहे हैं तो इसमें एक जाली रखेंगे और इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। आप बेकिंग सोडा की जगह पर इनो भी ले सकते हैं और इस तरह से आधा चम्मच, छोटा चम्मच ही लें और इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे हम और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इसे रखना नहीं है, तुरंत से हमें मोल्ड में डालना है बेक करने के लिए। अब बैटर को हम मोल्ड में फिल करेंगे। हमें इसे आधा ही फिल करना है, पूरा नहीं भरना है, नहीं तो जब बेक होगा तो ऊपर से निकलने लगेगा। इस तरह से सारे मोल्ड मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इस पर हमने एक जाली रख दी है, आप चाहे तो प्लेट भी रख सकते हैं। अब बेकिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। अब इस पर सारे मोल्ड हम रख देंगे। पहले इसे थोड़ा सा टैप कर लें जिससे एयर भी निकल जाए एक्स्ट्रा। और इस तरह से आप पूरे रख दीजिए और 25 मिनट के लिए आप इसे मीडियम फ्लेम पर रख दीजिए। इस तरह से 25 मिनट हो गए हैं और हमारे कपकेक बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। कलर भी अच्छा आ गया। इसे हम टूथपिक से चेक करते हैं, देखिए बिल्कुल क्लीन निकल रही है। यदि नहीं निकले तो आप 5 मिनट और रख सकते हैं। इसे आप अनमोल्ड गरम गरम में ना करें, नहीं तो अच्छे से निकलेगा नहीं। ये ठंडा हो जाए जब हम इसे छू सके, जब भी आप अनमोल्ड करें। देखिए, ये बड़ी आसानी से बर्तन को छोड़ देगा और हमारे कपकेक देखिए कितने अच्छे बने, कितना सॉफ्ट और जालीदार बना है। इतना स्पंजी, जो छूने से देखिए आप कितना सॉफ्ट बना और इतना स्पंजी है कि आप भी ऐसा ही बना सकते थोड़ा सा यदि ध्यान रखें तो। यदि आपको कपकेक और भी सुंदर और डेकोरेट करना है तो इस तरह से आप और कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पाउडर शुगर लिया है और उसे छलनी से इस तरह से छान दिया है। आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। जब भी आपको सर्व करना हो इस तरह से कपकेक को, तो आप ऐसे डेकोरेट करें और इस तरह से इतना सुंदर सा डिज़ाइन बन के निकलता है। जो हमने बिस्किट से क्रीम निकाली थी उसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लिया है और इसे हम कपकेक के ऊपर लगाएंगे। जो हमने डो तैयार किया था उसको हम इस पर चारों तरफ फैला देंगे। देखिए कितने अच्छे से चारों तरफ लगा दिया है। और इस पर हम पाउडर शुगर से डेकोरेशन करेंगे। आप चाहें तो कैसा भी डेकोरेशन कर सकते हो और भी सुंदर बना सकते हैं इसे। देखिए, कट करके दिखा रही हूँ मैं कपकेक को, कितना स्पंजी और सॉफ्ट बना है। इस तरह से आप बनाइए और बच्चों को खिलाइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।